हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ यू हैवन डन दैट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, वीपी एंटर्स कोलिजियम डिबेट, रिकॉल्स एनजैक रिपील, नेवर टू लेट। तो देखिए, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, इस टॉपिक को डिस्कस करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है दैट द एनजैक और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्चुअली ट्राई टू अनडू द मैकेनिज्म सेट थ्रू द 3 judges केस, I repeat, the question is that the NJAC actually tried to undo the mechanism which was set by 3 judges case. तो आप अगर इस question को समझने की कोशिश करेंगे तो although NJAC पहले लिखा हुआ है statement में और you know 3 judges case बाद में, लेकिन 3 judges case आपको mention करना होगा starting में, क्योंकि आप dynamism और flow देखेंगे question का, तो of course आप पहले वो लिखेंगे जो गलत था, गलत इन द सेंस क्वेश्चन के हिसाब से गलत था, जिसको अंडू करने की एनजैक ने कोशिश की। ठीक है, तो आप पहले 3 judges केस लिखेंगे, देन यू ऑफ कोर्स वुड राइट अबाउट एनजैक, क्या कॉम्पोजिशन थी क्या नहीं था, और ये बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का टसल एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट के बीच में छिड़ गया है कोलिजियम सिस्टम को लेके, दिस शुड एक्चुअली बी ऑन योर फिंगर्स, द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स। तो हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ क्या लिखा है और इसके फॉलोइंग पेज पे क्या लिखा है, हमें उसका एक यू नो कर्सरी रीडिंग देनी है। इन एन ओब्लिक रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट 2015 जजमेंट, देखिए इतना तो बेसिक आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट को 2014 के स्ट्राइक डाउन किया था, जिसने बेसिकली क्या करने की कोशिश की थी। देखिए, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उठाई गई थी जब हमारा संविधान बन रहा था, कि जजेस अपॉइंट तो करने हैं लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे अपॉइंट, लेकिन व्हाट वुड बी द एक्चुअल मैकेनिज्म, क्योंकि प्रेसिडेंट तो आप कह सकते हैं कि ऑनररी पोस्ट है एक, है ना, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर कहीं भी आप संविधान में पढ़ते हैं दैट प्रेसिडेंट वुड डू दिस, वो ऑफकोर्स सरकार करती है, सरकार की एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हो रही थी, तो ये किसी ने सजेशन दिया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए हमें बेसिकली जजेस को ही अपॉइंट करने देना चाहिए, यू नो जजेस अपॉइंटिंग जजेस, जो होता है कोलिजियम सिस्टम में। ओके, तो इस पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, आई डू नॉट थिंक दैट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज दिस वुड क्रिएट एन इम्पीरियो विद इन एन इम्पीरियम, स्टेट विद इन अ स्टेट क्रिएट हो जाएगी, और ये एक तरह से करप्शन या नेपोटिज्म या ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ होगा। ओके, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है कि आप ही खुद ही खुद ही के केस के जज बन जाएंगे, और बहुत कुछ फेवरेटिज्म इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये बी आर अम्बेडकर का भी थॉट था। तो अगर आप कोलिजियम सिस्टम को उस समय तक ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको इसकी क्रिटिसिज्म में मिल जाएंगी। ठीक है, तो एनजैक ने बेसिकली क्या करने की कोशिश की थी, उन्होंने सिर्फ केवल जजेस ही जजेस को अपॉइंट ना करें या ट्रांसफर को ना डील करें, उसमें कुछ कुछ एग्जीक्यूटिव और एमिनेंट पर्संस की भी इंक्लूजन करने की कोशिश की थी। क्या था कॉम्पोजिशन, हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इतना ब्रीफली आपको पता होना चाहिए कि एनजैक को स्ट्राइक डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में। ठीक है, और इसके खिलाफ आपको पता है जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, ही इज एक्चुअली वेरी क्रिटिकल अबाउट इट, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस पे, बहुत सारी मीटिंग्स में उन्होंने कहा है that you only run the show, आप खुद ही अपॉइंट कर लें, है ना, हमको फाइल भेजते क्यों हो आप, एंड ऑल दैट, यू नो ये सारी चीजें हमने बहुत कुछ सुना है किरण रिजिजू जी से। अब उसी के एक एडिशन में अब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए हैं, और जिस कॉन्फ्रेंस पे, जिस मीटिंग पे या जिस इवेंट पे इन्होंने अपने व्यूज शेयर किए हैं, यू कैन सी ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड सिटिंग ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू हिम, बहुत सारे और जजेस भी हैं इसमें। तो उन्होंने बोला है दैट इट इज नेवर टू लेट टू रिफ्लेक्ट, अभी हम देखते हैं डिटेल में कि इन्होंने क्या बोला है, कि कभी भी इतनी देर नहीं होती कि आप
अपने डिसीजन को सुधार पाएं या वापस जाके रिव्यू कर पाएं अपनी प्रीवियस जजमेंट को. अब इस साथ में इन्होंने कहा है आई वुड यू नो डायरेक्टली मूव ऑन टू हिज स्टेटमेंट ओनली सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम हियर. ओके, तो देखिए जैसा कि आप जानते ही हैं कि किरण रिजिजू जी कहते हैं कि ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लोज डोर्स में क्या हो रहा है. जैसे कि आप जानते हैं कि अंकल नेफ्यू सिंड्रोम भी, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, इफ़ यू एवर गेट अ क्वेश्चन ऑन सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम यू कैन राइट दिस इन क्रिटिसिज्म कि अंकल नेफ्यू सिंड्रोम वहाँ पे चलता है, ऐसे बहुत लोग क्रिटिसिज्म लगाते हैं. और इट इज़ एलियन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोलिजियम सिस्टम वर्ड भी नहीं लिखा कहीं पे, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कहीं भी नहीं कहा. जब मैंने आपको ये बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही जजेस अपॉइंटिंग जजेस वाले मैकेनिज्म को यू नो हमारे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ही क्रिटिसाइज कर दिया था, तो कैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा. दिस इज एलियन टू आर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो ये चीज पर जिस तरह का टसल छिड़ गया है, इट्स गुड के यू नो दोनों जो विंग्स हैं हमारे स्टेट के दे यू नो सिट टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज जिस तरह का टसल अब पब्लिक की आंखों में आ रहा है, जुडिशरी का यू नो जो स्टेटस है उसका लोअरिंग डाउन होना कि क्या नेपोटिज्म होता होगा कोलिजियम में, इस तरह की बातें अब बाय डिफॉल्ट दिमागों में आ गई हैं सबके. सो इट्स गुड यू नो ये पॉलिटिसाइज ना हो मैटर एंड समथिंग कम्स आउट ऑफ इट. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई वुड ऑफ कोर्स रीड हिज स्टेटमेंट. वाइस प्रेसिडेंट ने जो कहा है दैट द इंडियन पार्लियामेंट इन 2015-16, देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, एंड दिस इज एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, पूरी लोकसभा ने यूनानिमसली वोट किया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए कि यू नो किसी ने डिसेंट नहीं किया था, किसी ने एब्सटेन रहना यानी कि एब्सेंट रहना चूज नहीं किया था. तो यूनानिमस तरह से मतलब आप सोच सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो इस चीज के खिलाफ है कंप्लीटली, लेजिस्लेचर इस तरह इस चीज के खिलाफ है कंप्लीटली कि जजेस शुडंट बी अपॉइंटिंग जजेस देमसेल्व्स, देयर हैज टू बी सम से इन इट ऑफ आइदर सम एमिनेंट पर्सन और सम एग्जीक्यूटिव विंग. ओके, और साथ ही में जब राज्यसभा पहुंचा तो राज्यसभा में भी यूनानिमस ही था, बस एक बंदे ने एब्सटेन किया था. अब साथ ही में वी द पीपल देयर ऑर्डेनमेंट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. अब आप देखिए जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उसमें सारे के सारे इलेक्टेड लोग जाते हैं, है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग अस ओनली, वी इलेक्ट देम, व्हेन दे स्पीक इन द पार्लियामेंट इट मीन्स दैट वी आर स्पीकिंग. ओके, इट इज देयर माउथ एंड आवर वॉइसेस, यही होता है. तो अगर इट्स यू नो हमारे लोगों ने, हमने, वी द पीपल एक्चुअली वी पास्ड द एंटायर बिल और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास कर दिया, लेकिन इतने यूनानिमस यू नो वॉइस से, लेकिन फिर भी उसको स्ट्राइक डाउन कैसे कर दिया. इस पीपल की पावर को स्ट्राइक डाउन करने का ऐसा पूरी दुनिया में कोई केस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे स्ट्राइक डाउन कर दिया लोगों की वॉइस को. ओके, द वर्ल्ड डज नॉट नो ऑफ एनी सच इंस्टेंस. द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट व्हिच एस्टैब्लिश्ड एनजैक एंड एनजैक एक्ट वर पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 2014 टू सेट अप अ कमीशन फॉर अपॉइंटिंग जजेस रिप्लेसिंग द कोलिजियम सिस्टम. अब देखिए एक और चीज जो आपकी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन में ये आता है कि सेकंड जजेस केस से कोलिजियम सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था, देन दैट इज करेक्ट. बहुत लोग समझते हैं कि जो थर्ड जजेस केस था जिसमें अभी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कोलिजियम सिस्टम हम देख रहे हैं जिसमें 5 लोग होते हैं, है ना, तो वो एक्चुअल में सही टाइम था 1998, यानी कि थर्ड जजेस केस के द्वारा कोलिजियम सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था, नहीं 1993 सेकंड जजेस केस के हिसाब से यू नो इसे एस्टैब्लिश किया गया था. तो देखिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको ये पता होना चाहिए कि 3 जजेस केस थे क्या, है ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड यू मस्ट यू नो हैव इट इन योर हेड कम्प्लीटली कि क्या था 3 जजेस केस. तो देखिए पहला जजेस केस क्या था, जिसको हम एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं. एसपी गुप्ता केस में बेसिकली आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को प्रिमेसी दी थी. एग्जीक्यूटिव को प्रिमेसी कैसे मिली थी कि उसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स या ट्रांसफर्स के ऊपर, आप उसको एग्जीक्यूटिव उसको रिफ्यूज कर सकता है कोजेंट रीजंस के लिए. रीजंस अगर सही है, रीजनेबल है, तो आप बिल्कुल हमारी रिकमेंडेशन को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो ये था फर्स्ट जजेस केस जो हुआ था 1981 में. तो यहां से तो हमें कहीं भी कोलिजियम सिस्टम का नामो निशान नहीं दिख रहा, बल्कि हमें तो एग्जीक्यूटिव को प्रिमेसी मिलती हुई दिख रही है. फिर आता है सेकेंड जजेस केस 1993,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कोलेजियम सिस्टम, जहां पे उन्होंने बोला कि देखिए जो संविधान में लिखा है या फिर जो एक कॉन्वेंशन है कि कंसल्ट करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वो कंसल्ट का मतलब है कॉन्करेंस, यानी कि जो आपको रिकमेंडेशन दी जाएगी आपको उसको मानना पड़ेगा। और जहां पे सीजेआई लिखा है वो उनके इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है। एक इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे और साथ में दो सीनियर मोस्ट जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो भी होंगे। तो आप देखिए, ऑफ कोर्स जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कोलेजियम सिस्टम है वो नहीं है 1993 में, एक थ्री मेंबर कोलेजियम सिस्टम है, पर कोलेजियम सिस्टम तो है। लेकिन कम्स थर्ड जजेस केस 1998, इसमें बेसिकली एक फाइव मेंबर बॉडी बनती है जिसमें चार और सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और सीजेआई होंगे जो बेसिकली प्रेजिडेंट को रेफरेंस देंगे अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स के ऊपर, और उसे कॉन्कर करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को यानी कि सरकार को। ठीक है, इसको ऑफ कोर्स रिपील कर दिया गया था अक्टूबर 2015 में आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द एक्ट। तो हम इससे पहले कि ये देखें कि एनजैक था क्या और एनजैक में क्या दिक्कतें थी, और बहुत सारे एडिटोरियल्स हमने रिसेंटली देखे हैं जिसमें एनजैक बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने सजेस्ट किया है कि एनजैक दोबारा रिवाइव किया जाना चाहिए अगर जुडिशियरी को किसी तरह का खतरा हो। मैं बताऊंगी जुडिशियरी को भी कहीं कंसर्न्स उनके जायज हैं बिल्कुल, तो उसकी कॉम्पोजिशन को मॉडिफाई कर दीजिए। आप ही सजेशन में भी लिख सकते हैं, अगर आपके मेंस तक कोई नहीं कॉन्क्रीट इससे डिसीजन निकल के आता तो आप ही सजेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। बट बिफोर दैट हम देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। रेफरिंग टू आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप अ मिनिमम 5 जज बेंच। अब देखिए, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो केसेस होते हैं जिसमें मिनिमम 5 लोग होते ही हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, केशवानंद भारती केस है ना, तो मिनिमम 5 होते हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केस कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केस के लिए भी देखिए कुछ रूल्स हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन ने खुद के रूल्स बनाए हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद के रूल्स बनाए हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो केस बनेगा, आप देखिए 5 जजेस वाइजेस्ट ऑफ द वाइजेस्ट पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड व्हाट दे वुड डू, मतलब ऐसे कोई ऐसे छोटी मोटी वो तो अपील्स या छोटी मोटी बातें पे तो नहीं डिसीजन देंगे। तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत आ रही है, एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज तो लिखी है लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनका क्या मतलब था जब वो ये चीज लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्लीज आप इतने वाइज हैं आप बताइए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है किसी फैक्ट्स को देखने के लिए, फैक्ट्स के साथ डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कभी भी नहीं बैठता। इट सिट्स बिकॉज इट हैज टू इंटरप्रेट सर्टन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डज इट मीन, व्हाट वर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर thinking when they were writing it down in the document. Okay, तो इस तरह की चीजों के लिए तो इन्होंने कहा कि देखिए अभी भी समय है, आप क्या कर सकते हैं, आप constitution bench बना सकते हैं, article 145 clause 3 provide करता है constitution का कि आप constitution bench बिठाएं, और अगर constitution में ये चीज लिखी है कि president would appoint the higher judiciary के judges, तो इस जगह क्या मतलब है, कहीं पे जब collision system का mention नहीं है तो क्या होना चाहिए actual में इसके बारे में। ओके, सेइंग इट वॉज नेवर टू लेट टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक ही सेड एज। अब साथ ही में जगदीप धनखड़ जी खुद भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ रह चुके हैं, ही इज अ वेरी सीनियर एडवोकेट एज वेल, ही यूज्ड टू बी ऑफ कोर्स नाउ ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। अब इन्होंने साथ में कहा है कि देखिए पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अब देखिए समझने की कोशिश की, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब एक पहला पार्लियामेंट था उसने कोई डिसीजन दिया है ना, तो अब कोई और पार्लियामेंट बना, कोई और सरकार बनी, या फ्यूचर जनरेशन ऑफ पार्लियामेंट, जरूरी तो नहीं है कि जो पहले पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया कि आप उससे बाउंड ही हो गए, बिल्कुल जकड़ गए, आप उसके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वैसे ही आपके लिए अप्लाई होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक डिसीजन लिया, डजंट मैटर, इट्स ऑल राइट कि आप उसको रिफ्लेक्ट कीजिए, थिंक अबाउट इट, एक नया डिसीजन आ सकता है, इट इज नेवर टू लेट टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक। तो ये चीज इन्होंने कही है। ओके, बिफोर मूविंग अहेड हम एनजैक भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिल द कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। जो बिल आया था जो यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था, देखिए एनजैक जो होगा, जो कमीशन होगी जो डिसाइड करेगी कि किन लोगों की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए, किन लोगों का ट्रांसफर किया जाना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे वो इन सारे मेंबर्स को कंटेन करेगी, कंसिस्ट करेगी बेसिकली। नंबर वन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चेयरपर्सन होंगे एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में।
ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और देखिए इस बहुत लोग ये कहते हैं कि दिक्कत ही क्या है, एग्जीक्यूटिव भी सरकार भी यही कहती है, जब चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बना दिया व्हाट्स द हार्म एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, पर अभी आप देखते जाइए कि दिक्कत है कहाँ। तो सेकंड है यानी कि दो और सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी कोलिजियम में से ही आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, क्योंकि जो अभी कोलिजियम चल रहा है उसमें सीनियर मोस्ट जजेस ही तो होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो सीट, तो यानी कि तीन मेंबर सुप्रीम कोर्ट से हो गए, ठीक है, तो ये चीज आपने देख ली। फिर उसके बाद आते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक्स ऑफिशियो, ये भी कि मतलब अगर किरण रिजिजू जी हैं वो इस एनजैक के मेंबर बनेंगे, है ना। जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, अभी तीन मेंबर जुडिशरी से हो गए, एक मेंबर आ गया एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, फिर अब दो मेंबर और है, टू एमिनेंट पर्सन। अब एमिनेंट पर्सन तो एक बहुत वेग टर्म है ना, एमिनेंट पर्सन, इंटेलेक्चुअल, जुडिशरी एक्सपर्ट या जूरिस्ट, ये तो बड़े वेग टर्म्स होते हैं, इनको भी तो अपॉइंट करना है, आप किसी को भी तो नहीं इन्वॉल्व कर सकते, तो इनके लिए भी एक सिलेक्शन कमेटी है। इन दो एमिनेंट पर्सन को सिलेक्ट कौन करेगा, नॉमिनेट कौन करेगा, उसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, जो लोकसभा में है। ओके तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब दिक्कत यहां है, देखिए तो इससे क्या होगा, आप अब यहां पे भी सरकार कहती है कि यहां पे भी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा ही हुआ है ना, तो कहां से ट्रांसपेरेंसी या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां ब्रीच हो रही है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, देर आर एंडलेस मैटर्स, जहां पे हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो ऑपोजिशन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका स्टैंड सेम है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, बी इट बीजेपी, बी इट कांग्रेस, बी इट एनी अदर पार्टी, डजंट मैटर, आम आदमी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि आरटीआई के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को लाया जाए, जबकि आरटीआई, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, वो ये कहता है कि एक पब्लिक अथॉरिटी से जब एक पब्लिक क्वेश्चन पूछा जाए या इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो उनके जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज भी तो एक तरह से पब्लिक, आप जब ये कह रहे हो, जब इंटरप्रिटेशन इतनी वाइड हो सकती है कि पार्लियामेंट को पीपल ऑफ इंडिया बोला जा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक पब्लिक बॉडी क्यों नहीं बोला जा सकता, है ना। तो इस चीज में लेकिन सारे पॉलिटिकल्स दे जॉइन हैंड्स एंड दे कम टुगेदर, नो नो नो, नॉट अंडर आरटीआई, बिकॉज एवरीबडी समहाउ इज डूइंग समथिंग विच दे डोंट वॉन्ट टू रिवील। ओके एक ये चीज, और भी बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दोनों, जैसे कि फॉरन डोनेशन के ऊपर, दे ऑल आर टुगेदर, हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आप सपोज कीजिए आपको ऐसा लगता है कि इस साल में, है ना, तो अब ये जो एनजैक है ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार अपॉइंटमेंट हो गई तो हो गई, हर साल में अलग, हर कुछ एक महीने में अलग, जब भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, पिटिशन डली हुई है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ है, फॉरन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ है, पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के तहत लाया जाए या ना लाया जाए, तो आप ये एमिनेंट पर्सन को अपने हिसाब से दोनों को चूज कर सकते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिलके, ये सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके ये दो पर्सन, दो में से नहीं तो एक पर्सन, तो आप देखिए मेजॉरिटी कैसे होगी, तीन लोग अगर एक साथ हो भी गए सुप्रीम कोर्ट के, तो यहां से तीन और सारे अगर एक तरफ हो गए तो लॉक जाम नहीं हो जाएगा, तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पाएगा जुडिशरी के हिसाब से, बहुत सारे इंटरफेरेंस आ जाएंगी, तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है। लेकिन फिर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ओके फाइन, वी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, हम समझते हैं कि ये हो सकता है, पर आप क्या कीजिए, आप एनजैक को मॉडिफाई कर दीजिए, आप क्या करिए कि एक एमिनेंट पर्सन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और ये जो अपॉइंटिंग कमिटी है इसमें कुछ चेंजेस कर दीजिए ताकि जो मेजॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की मेंटेन हो जाए। तो ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, गिवन द फैक्ट जो हमारे CJI हैं, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इज वेरी ओपन अबाउट, टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। आपको याद होगा जब उन्होंने अपनी पोस्ट ली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, तो उन्होंने ये कहा था जब किरण रिजिजू जी इतना कुछ कह रहे थे रिसेंटली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल भी कुछ बुरे सेंस में नहीं देखता, आई सी इट इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट, ऑफ कोर्स अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उससे डील किया जाना चाहिए, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप। एम्स साइबर अटैक प्रो पॉइंट्स टू फॉरेन स्टेट एक्टर, गवर्नमेंट लुक्स एट मैंडेटरी ऑडिट, नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी कंसर्निंग। देखिए इससे पहले कि हम इस चीज को डिस्कस करें कि यहाँ क्या लिखा है, मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहती हूँ। इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, देन आपको याद होगा कि मुंबई के बहुत सारे पोर्ट्स
के जो सर्वर्स थे उसको भी साइबर अटैक हुआ था, उसको हाईजैक किया गया था और पता चला था कि वो चाइना ने किया है. ओके, तो चाइना इज अ स्टेट एक्टर. अगर यहाँ पे फॉरेन स्टेट एक्टर लिखा है तो मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है. हम क्या कहते हैं, टेररिस्ट कौन है? नॉन स्टेट एक्टर. कोई गवर्नमेंट तो नहीं है टेररिस्ट की, है ना? या फिर टेररिस्ट की कोई एक टेरिटरी तो नहीं. अब आप तालिबान दिमाग में मत सोचिए, वैसे कह रही हूँ मैं इन अ जर्नलिस्टिक सेंस. ठीक है, तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, एनजीओज आर नॉन स्टेट एक्टर्स. दे आर वर्किंग इन अ गुड कैपेसिटी बट दे आर नॉट द गवर्नमेंट येट. दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, पॉवर्टी एलिविएशन एंड हेल्पिंग इन ऑल दोस गुड थिंग्स. ओके, तो अगर हम कह रहे हैं एम्स में जो साइबर अटैक हुआ है उनके कुछ कुछ सर्वर्स में, जिसमें 3 से 4 करोड़ लोगों का जो डेटा था वो स्टेट पे रख दिया गया, तो उससे जब अगर प्रोब ये बता रहा है एम्स की खुद की टीम का कि फॉरेन स्टेट एक्टर इसमें इन्वॉल्व है ना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी, एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल अटैक होना, एम्स इज अ गवर्नमेंट रन बॉडी, साइबर अटैक होना, ये सच में बहुत कंसर्निंग है. इससे ये पता चलता है कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, और उसको आप बहुत डिटेल में प्रिपेयर कीजिए. कुछ कुछ मैं आपको सजेशंस दे देती हूँ. आई डो नॉट नो वॉट काइंड ऑफ मटीरियल यू रेफर टू, बट आई वुड सजेस्ट कि यूएस ने एक बहुत, आई थिंक इट्स 3 or 4 pages लॉन्ग, एक पॉलिसी निकाली है अपनी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को एनहेंस करने के लिए, वो भी चाइना की साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पढ़ते हुए. इफ आई गेट दैट मटीरियल मैं आपको ज़रूर बता दूंगी अपने विजन आईएएस के वीडियोज़ के दौरान. हम उससे कुछ कुछ चीज़ें ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, वी कैन ऑफ कोर्स गेट सर्टन पॉइंट्स फ्रॉम देयर. ओके, तो आप इस तरह का साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये सब कुछ ज़रूर प्रिपेयर कीजिए. द प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इन टू द साइबर अटैक ऑन सम ऑफ द सर्वर्स एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली हैज फाउंड आउट दैट द हैक ओरिजिनेटेड फ्रॉम अनदर कंट्री एंड कुड पॉसिबली हैव इन्वॉल्वड अ फॉरेन स्टेट एक्टर. कुड पॉसिबली हैव, ऑफकोर्स ये कुछ बहुत फर्म सेंस में नहीं लिखा है, पर पॉसिबिलिटी है कि ये किसी स्टेट एक्टर ने किया है. द साइबर इंसिडेंट दैट टुक प्लेस लास्ट मंथ हैड ब्रॉट द ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम. वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. इन्वेस्टिगेटर्स, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चली है, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे हाईलाइट करती है. इन्वेस्टिगेटर्स को ये चीज़ पता चली कि जो एम्स है ना, वो अपनी सर्विसेज के लिए प्राइवेट कंपनी से सर्विसेज ले रहा था, बेसिकली सर्वर्स वगैरह और डेटा मैनेजमेंट की. ठीक है, तो अब ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी चैलेंज है, क्योंकि सेंटर को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड किसी तरह के सिस्टम पे रिलाई करने की कोशिश करेंगे. कुछ हो सकता है प्राइवेट सेक्टर पे इतनी बड़ी बॉडी को ना रिलाय करवाया जाए. नाउ देयर इज नथिंग मच इन इट एज इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स राइज, यूएस एनवॉय सेज इट्स अ सॉवरेन डिसीजन. गुड इनफ फॉर इंडिया, बिकॉज यही होना चाहिए. हर किसी कंट्री का अपना एक सॉवरेन डिसीजन है. अब देखिए यूएस से इस तरह की जो बातें आना, वो क्यों देखिए अभी जैसे हमने चाइना ने कितना ज्यादा ऑब्लिगेशन हमको बताई कि आई यूर ऑब्लिगेटेड टू 1993 और 1996 के जो अग्रीमेंट्स, बायलेटरल अग्रीमेंट्स जो हुए हैं, आप उसको ब्रीच कर रहे हैं. तो यूएस ने साफ सीधी सी बात बोल दी, देखिए हम किसी तीसरी कंट्री को वीटो पावर नहीं देते कि हम यूएस से डील करेंगे तो आप हमें आके बताएंगे कि नहीं, आप इनके साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज ना कंडक्ट कीजिए या फिर आप इनसे बात मत कीजिए. तो अगर यूएस को देखिए, ऑफकोर्स यूएस को इस चीज़ से बहुत दिक्कत है कि हम रशिया से इतना ज़्यादा भारी मात्रा में तेल ले रहे हैं डिस्काउंटेड रेट्स पे, या फिर हम रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया और हम पे काटसा भी नहीं लगा, है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंसेशंस इंडिया को मिली हुई हैं, लेकिन यूएसए को ये भी पता है कि जहाँ पे इंडिया ने यूएसए का साथ देना होता है वो वहाँ भी देता है. फॉर एग्जाम्पल चाइना को शश करना कि ओके वी विल गो अहेड विद यू द बियास, देयर इज नो पॉइंट taking your point into consideration, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जिसमें इंडिया और यूएस साथ मिलकर काम कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म फॉर वन एग्जाम्पल. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसीलिए यूएस रिमेन्स क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. और फिर हमने बस एक ही बात बोल दी दैट दिस एरा इज नॉट अ वॉर पुतिन को, एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि ठीक है मोदी, मिस्टर मोदी द्वारा दिस इज कम अप. और फिर हम G20 का ड्राफ्ट डेक्लेरेशन, जॉइंट डेक्लेरेशन भी यही रख देंगे दैट दिस एरा इज नॉट अ वॉर. तो ये चीज़ ठीक है. तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है. विद इंडिया कंटिन्यूइंग टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया एट डिस्काउंटेड रेट्स अमिड वॉर इन यूक्रेन. अब देखिए यूएस एनवॉय ने जो दिल्ली में है
उन्होंने बस इतना बोला, देखिए हम हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है बेसिकली, वो इतना है कि रशिया को अनड्यू रिवेन्यूज ना मिले अपना डिस्काउंटेड रेट पे तेल बेचने से कंट्रीज को, कि वो रिवेन्यू को वॉर को फंड करने में लगा दे, बिकॉज यू नो वी वॉन्ट दिस वॉर टू एंड फॉर द गुड. ओके, तो ये बेसिकली इनका, पर अगर कोई कंट्री करना चाहती है वो उस कंट्री का सॉवरन डिसीजन है, हमें इस चीज में नहीं घुसना. ओके, ये सारी चीजें उन्होंने बोली है. Nothing much into it, पर हमें एक editorial discuss करना है, that is very important. Indian Express का ही एक editorial है. I hope that's the page we are going to. Yeah. Okay. In Beijing's court. तो देखिए पहले जो चीजें लिखी हैं बहुत cliche हैं, nothing substantial in it, but towards the end of the editorial there is something you must pay attention to. Okay, China ne objection uthai jo ongoing joint India US military exercise hai jo Uttarakhand mein ho rahi hai, ki ye violate karti hai 1993 aur 1996 ke India China border agreements ko, par ye bilkul hi bakwas, unki obligations, unki jo objections hai bilkul hi ध्यान देने लायक नहीं है, क्योंकि आपने जो किया, जो इतना लार्ज स्केल इंट्रूजन आपने इंडिया में किया, आपने यूनिलैटरली स्टेटस क्वो को चेंज कर दिया, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ईस्टर्न लद्दाख एरिया है उसमें एग्जिस्ट करता था अप्रैल 2020 को जब गलवान क्लैश हुआ. तो यू नो यू कांट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स के आपने 1993 की अग्रीमेंट को, जब हम कह रहे थे तब आपको ये बात समझ नहीं आई, फिर आपने और भी अग्रीमेंट्स हमारे साथ साइन की हुई थी 2005, 2012, 2013, और ये सारी की सारी अग्रीमेंट्स केवल एक बात कहती है कि अगर कोई भी बाउंड्री इशू है हम दोनों कंट्रीज के बीच में, उसे पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा, ना ही कोई कंट्री कोशिश करेगी या थ्रेटन करेगी कि हम फोर्स यूज करके इस बाउंड्री इशू को खुद सॉल्व कर देंगे. हम यू नो यूनिलैटरली अज्यूम कर लेंगे यहाँ तक वाला एरिया हमारा है और हम उस सारे पी जो पॉइंट्स हैं उन सबको टाक के यहाँ तक आ जाएंगे, जो आपने किया बेसिकली. ठीक है, अमंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइनीज एक्शन इन 2020 वॉज अ ब्लडी एनकाउंटर बिटवीन द टू आर्मीज एट गलवान विच रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ, अब देखिए 20 हमारे जो सोल्जर्स थे उनकी जान गई. अब वो कहते हैं कि सिर्फ 4 गई, ऑफिशियली वो भी उन्होंने अभी बहुत रिसेंटली डिक्लेयर किया कि 4 लोगों की हमारे जान गई थी, बट अ लॉट ऑफ यू नो अनऑफिशियल इनफॉर्मल रिपोर्ट्स से दैट एटलीस्ट 40 ऑफ द चाइनीज सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट बैटल, टाइनी बैटल. और ओके, तो बट नेवरदलेस हम उन्हीं के डेटा को भी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, इंडिया नो लॉन्गर हैज द कॉन्फिडेंस दैट चाइना वॉन्ट्स. अब देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि इंडिया को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है चाइना में कि वो अब इंटरेस्टेड भी है बॉर्डर इशू रिजॉल्व करने में. देखिए बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे कि मिस्टर मोदी ने जस्ट थोड़े समय पहले ममल्लापुरम एक समिट की थी, इनफॉर्मल समिट, कि हम मिलेंगे हर एक दो साल में, इनफॉर्मल यानी कि कोई ऐसे सरकारों वाली मीटिंग नहीं, बस एक बॉनहोमी क्रिएट करने के लिए, पीपल टू पीपल टाइज के लिए, है ना. तो आप ममल्लापुरम लेके गए, इट वॉज अ वेरी गुड यू नो साइट, इट वॉज ट्रीट टू आइस फॉर एवरीबडी फॉर बोथ द नेशंस अस एज पीपल. बट वॉट हैपन, किसी तरह की बातचीत आपको कुछ समझ नहीं आता, आपसे कोई अच्छाई की उम्मीद अब करी ही नहीं जा सकती. हर तरह का, देखिए अगर आप आंसर लिख रहे हैं ना, यू कैन ऑलवेज मैंशन ममल्लापुरम समिट, इस तरह की इनफॉर्मल इतने हमारे जो एफर्ट्स थे वो सब बर्बाद कर गए, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द बॉर्डर इशू. अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने रिसेंटली अभी जो चाइना कांग्रेस हमने देखी, चाइना कांग्रेस में आपको याद होगा जो जैसे इनॉग्रेशन हुई, तो इतनी बड़ी स्क्रीन पे जो गलवान क्लैश के सोल्जर्स थे और जो उनको लीड कर रहे थे लीडर, उनको यू नो सेरेमनी में अवार्ड दिया गया, इनवाइट किया गया, और ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, जो लीडर थे आर्मी के उनके पीएलए के, और फिर उन्होंने बहुत इमोशनली गलवान क्लैश के बारे में बात की कि हमारे यू नो सोल्जर्स ने बहुत डट के लड़ा एंड ऑल ऑफ दैट, और किस तरह से जो उनका वाइबो है, जो ट्विटर इक्विवेलेंट है जो चाइना में चलता है, ट्विटर तो चलता नहीं है वहाँ पे, तो वो उन्होंने कैसे किस तरह की पोस्ट वहाँ पे फैली हैं अभी रिसेंटली, कि यू नो इंडिया यूनिलैटरली ब्रोक द स्टेटस क्वो एंड हमारी टेरिटरी में घुस आए, फिर हमने सेल्फ डिफेंस पे उन पे वार किया एंड ऑल दैट नॉनसेंस. तो इसके बाद तो ये हमारी उम्मीद, हमें उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है, एक बहुत घटिया डिप्लोमेसी होगी अगर हमें लगता है कि चाइना से टफ हैंडेडली बात की जा सकती, नहीं की जा सकती, और सॉफ्ट रह के आप उनसे अच्छा रिश्ता बना सकते हैं. ओके, नाइदर द डिसएंगेजमेंट इन द सो कॉल्ड फ्रिक्शन पॉइंट्स नॉर इनडीड द रिकॉर्ड हाई वॉल. अब देखिए हमने थोड़ी बहुत डिसएंगेजमेंट भी कर ली फ्रिक्शन पॉइंट्स पे जो लद्दाख में है. इंडिया चाइना का आप ट्रेड देखिए कहाँ पहुँच गया है, बट ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत बड़ी गलती ये है कि सबसे बुरी चीज़ ये है कि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट ना मात्र कुछ भी नहीं कर रहा. तो डॉलर 100 बिलियन का जब आपका ट्रेड डेफिसिट ही होगा, चले ठीक है
ट्रेड तो बढ़ रहा है, ओके दैट्स अ गुड थिंग, पर वो जो एक थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की कि जो कंट्रीज इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होती है वो कभी वॉर पे नहीं जाती, क्योंकि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमेशा प्रिवेल कर जाता है, वो बिल्कुल चाइना ने नलिफाई कर दिया है, वो कोई थ्योरी इन पे काम नहीं आती. ओके, नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं एक्स्ट्रा आपको बताती हूँ सो दैट यू हैव अ बेटर क्लैरिटी एंड यू हैव सर्टन एक्स्ट्रा टू राइट ऑल्सो. ओके, and understand the nature of India-China relationship that successive Indian governments, और ऐसा नहीं है राजीव गांधी एरा के टाइम से. देखिए 1962 में जो वॉर हुआ, जो यू नो मिस्टर नेहरू के टाइम पे, उसके बाद तो the entire Indian population, the entire Indian statecraft was actually apprehensive of China and its एंड इट्स इंटेंशन. हम हर कोई यू नो काफ़ी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला तो कुछ भी नहीं रह गया था, देर वॉज नथिंग इन इट, सब भूल गए थे कि वो हॉलो एक स्लोगन है, सच में चाइनीज आर नॉट आर भाई भाई. तो उसके बाद लेकिन फिर वो हाइटस जब ब्रेक किया यू नो राजीव गांधी सरकार ने 1989 से, इतने एफर्ट्स फिर हर सरकार ने करने की कोशिश की, हर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरह से चाइना से रिश्ते सही करने की कोशिश की, नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी दे बिलोंग टू, बट यू नो नथिंग वर्क्ड, नथिंग एट ऑल. ओके, अब स्पेशली जब आपने परमानेंटली डिप्लॉय कर दिया दोनों साइड्स ने अपनी अपनी आर्मी को LAC पे, ये एक एविडेंस है कि अब यही है, दिस इज इट एक्सेप्टेड एज इट इज, मतलब ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिश्ता अब यही है. फाइनली ऑपरेशन युद्ध अभ्यास, द मिलिट्री ड्रिल दैट इज बिंग हेल्ड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द LAC एट ओली इज द 18th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज. एक एनुअल एक्सरसाइज है, मिलिट्री ड्रिल है जो हर साल होती है US और इंडिया के बीच में, अभी 18th एडिशन इसका चल रहा है. ओके, और हम मानते हैं कि जो 1993 और 1996 की जो अग्रीमेंट्स हैं वो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप यू नो किसी तरह का ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं म्यूचुअली आइडेंटिफाइड जोन्स में तो आपको दूसरी पार्टी को बताना पड़ता है. पर आपने जब यू नो वायलेट कर दिया 1993 और 1996 अग्रीमेंट्स को, वो भी इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, उसके बाद आप यू नो किसी भी जगह पे वायलेट कर रहे हैं. अब क्या है म्यूचुअली आइडेंटिफाइड जोन्स, क्या है मतलब आपके हिसाब से जहां जहां पे आपने ब्रीच किया, जहां जहां पे यूनिलैटरली आपने इन्वेड कर लिया, इंट्रूड कर लिया, तो वो म्यूचुअली आइडेंटिफाइड जोन्स नहीं थे, पर हमारे हिसाब से तो थे, इतने सालों से वहां पे स्टेटस क्वो चल रहा था. तो मतलब म्यूचुअली आइडेंटिफाइड जोन्स है क्या? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. As the Ministry of External Affairs said, China needs to reflect on its own actions before it says anything to us. Delhi and Beijing now need a new compact on the border issue. हमें एक नया agreement या नई कोई understanding चाहिए हमारे border issue पे. जो finally ये जो contestation LAC पे चल रहा है, it solves that out through peaceful means. Okay, the question is, does China want this or does it believe? अब देखिए, अब पहली बात तो China चाहता ही नहीं. चाइना चाहता भी है कि नहीं, कॉम्पैक्ट तो चाहिए, वो तो कहते रहते हैं हम तो चाहते हैं पीसफुल मींस के थ्रू से हम अपना ये यू नो जो लड़ाई है इसे सॉल्व कर लें, बॉर्डर इशू रिजॉल्व कर लें, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं चाहते. ये तो सिर्फ एक लिप सर्विस है जो बार बार प्रोवाइड कर देते हैं वो, क्योंकि वो इसको एज इट इज रखना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके पर्पज को बेटर सर्व करता है. आई वुड टेल यू व्हाई, क्योंकि ये जो लीडर्स हैं, स्पेशली शी जिनपिंग का जो चाइना है अभी, जो इतने बड़े लीडर बन गए हैं, वो माओ के स्टैचर पे खुद को समझते हैं, वो इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी उनका मन करे ना टेम्परेचर बढ़ाने का, जब भी नेशनलिस्टिक वेव लानी हो उनको अपनी कंट्री में, हर कंट्री यही करती है. पाकिस्तान ऑल्सो डज दिस, नेपाल ऑल्सो डज दिस. नेपाल के जो KP शर्मा ओली थे, उन्होंने किस तरह से इंडिया को, इंडिया के बारे में गलत बोल बोल के वोट्स गेन करने की कोशिश की, ऑफकोर्स फॉर नो गुड, क्योंकि वो जीते तो नहीं आफ्टर ऑल, पर हर कंट्री यही करने की कोशिश करती है. अब आप देखिए जैसे अब देखिए जो शी जिनपिंग है, अब हम जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं उनके खिलाफ, डाउन द लीडर, वी डोंट ट्रस्ट लीडर, वी वांट फूड, डिग्निटी, फ्रीडम एंड नॉट कोविड एंड नॉट टेस्ट्स, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, इससे पता चल गया कि अब जो लीडर है आपका उनके बहुत लोग खिलाफ है. अब तो ये चीज़ और बड़ी बात बन गई कि ये लीडर को ऐसी तरह की नॉनसेंस चीज़ें चाहिए होंगी किसी से लड़के, कोई आर्मी अटैक करवा के, ताकि वो अपना जो स्टैचर है लीडरशिप का, अपना जो सपोर्ट बेस है उसे मेंटेन कर सके, क्योंकि जनता बहुत इमोशनल होती है ना. हर कोई अपनी टेरिटरी सॉवरेनिटी और अपनी कंट्री, जो नेशनलिज्म है ना, वो एक बहुत बड़ा फोर्स है, एक बहुत बड़ा इमोशन है, उसके नाम पर कोई भी कैसे भी खेल सकता है, और यही करने की कोशिश करते हैं कहीं लीडर्स चाइना जैसे. ठीक है, तो इसको एज इट इज रखना चाहते हैं, जब मन करे टेम्परेचर बढ़ा दो, जब मन करे कम कर दो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है, अपनी डिस्क्रिशन पे. दिल्ली इज रिलेशंस विद द US एंड इट्स पार्टनरशिप इन द क्वाड में, अब देखिए साथ ही में चाइना को एक और दिक्कत है,
कि हम यूएस से क्यों इंटरेक्ट करते हैं या क्वाड के यू नो क्यों मेंबर हैं. सो दिस ऑफ कोर्स इज एन इरिटेंट फॉर बीजिंग, बट दिल्ली मस्ट डील विद चाइनीज प्रेजेंस इन साउथ एशियन नेबरहुड इंक्लूडिंग एन अलायंस विद पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ आप सीपैक कॉरिडोर बना रहे हैं, है ना. वो अब देखिए इस चीज़ में कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान इनके वैसे ही दोस्त बन गए, अच्छे दोस्त हैं तो क्या हो गया. ज़रूरी थोड़ा ना इंडिया की वजह से पाकिस्तानी दोस्त बने इनके, नहीं बिल्कुल भी नहीं. जो भी इनकी अलायंस है पाकिस्तान से, इट इज़ क्लियरली एम्ड एट इंडिया एंड इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैव टू कीप दैट इन देयर हेड्स एंड अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ राइवलरी इन द इंडियन ओशन रीजन. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. व्हाट आर दे डूइंग व्हेन दे टॉक अबाउट आसियान कंट्रीज बीइंग देयर फ्रेंड्स. आपने जो भी इंडियन ओशन रीजन फोरम कंडक्ट किया जिसमें आपने सिर्फ इंडिया को ही इन्वाइट नहीं किया, ऑल्दो मॉल्डीव्स और ऑस्ट्रेलिया वहाँ नहीं गए, वेरी ट्रूथफुल, वेरी ट्रू टू आर फ्रेंडशिप, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर आपने इन्वाइट तो किया, तो इन द सेंस आप इंडियन ओशन रीजन में जितने भी लोग हैं आप उनको अपना पार्टनर्स बनाना चाहते हैं. बांग्लादेश भी किया था उसमें, है ना. और आप बेसिकली राइवलरी इंडिया के साथ चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन में. अगर आप राइवलरी इंडिया के साथ नहीं चाहते हो तो एटलीस्ट इनविटेशन तो हमें आता, हम नहीं एक्सेप्ट करते वो बात की बात थी, ठीक है. China should know that it cannot push Delhi around by undermining and resurrecting agreements with India at will. मतलब भाई आपका जब मन करेगा आप agreement कह देंगे कि 1993 की agreement है उसको breach मत करो, आपका जब मन करेगा उसको breach कर दोगे, ऐसा तो नहीं चलने वाला. India is not a foolish country, है ना. After complaint center to prioritize wages for a Manrega site supervisors. So this is very important, क्योंकि एक चीज Manrega के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए जो हम यहाँ पे देखेंगे. शायद आप Manrega बिल्कुल सुपरफिशियली पढ़ते हैं, पर Manrega पे अब इतनी सारी चीजें हो रही है. ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते से एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने Manrega को डिस्कस ना किया हो. कोई रिपोर्ट आई है प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में जो स्किलिंग करने की कोशिश करते हैं Manrega वर्कर्स की, या फिर उसमें डिलेज देखा गया है, बहुत सारी चीज़ें. तेलंगाना ने Manrega के वर्क्स के अलावा किसी और वर्क के लिए Manrega का पैसा यूज़ कर लिया, तो इन चीज़ों पे सरकार काम कर रही है. एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी बनी है, सिन्हा कमिटी Manrega पे. तो Manrega इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू सी अ क्वेश्चन इन से प्रीलिम्स सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज अबाउट इट. तो हम इसीलिए Manrega का अगर कुछ कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता हम डिस्कस करेंगे इसमें. हीडिंग टू परसिस्टेंट कंप्लेंट्स फ्रॉम मेज. अब देखिए क्या है Manrega में, क्या होता है ना कि आपको ये पता है कि लेबरर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें अनस्किल्ड वर्क मिलता है 100 दिन का गारंटीड, ठीक है. अनस्किल्ड इन द सेंस जो मैनुअल लेबर कर सकते हैं, उसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है. लेकिन अब एक इंसान को बेसिकली सुपरवाइजर भी तो जरूरी है, सुपरवाइजर की भी तो जरूरत होती है, ठीक है. तो एक होता है मेट, जिसे हम बेसिकली सुपरवाइजर कहते हैं, Manrega का ही सुपरवाइजर. अब उसकी ऑफकोर्स मतलब उसकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है क्योंकि थोड़ा सा वेज भी उन्हें ज़्यादा मिलता है, ठीक है. तो लेकिन अगर एक और चीज़ मैं आपको बिफोर आई गो अहेड, आपको ये पता होना चाहिए Manrega का जो पैसा या फंड आता है वो आता है वेज इज टू मटेरियल कंपोनेंट की रेशो में. यानी कि अगर मैं कह रही हूँ 60:40 की रेशो है जिसमें वेज और मटेरियल कंपोनेंट को बांटा जाएगा, तो यानी कि 60% जो है पैसा, जो फंड का पैसा है वो यूटिलाइज किया जाएगा वेज देने के लिए, जो आप वर्कर्स को वेज देते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे. और जो उसको 40% कॉम्पोनेंट है वो मटीरियल, रॉ मटीरियल. अगर आप एक कुआं बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटीरियल चाहिए, आप एक डैम बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटीरियल चाहिए, तो वो होता है मटीरियल कॉम्पोनेंट. जो 40% पैसा दिया जाएगा उसके लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, ठीक है. तो अब आप इस चीज को ध्यान में रखिए, तो जो Manrega मेट्स होते हैं ना, यानी कि Manrega मेट्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे देना, काम अलॉट करना, है ना, अटेंडेंस मार्क करना लेबरर्स की, आप टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और सुपरवाइज करना. वो मैनुअल वर्क नहीं करते, पर दे एंश्योर कि अच्छा काम हो ढंग से. तो इन मेट्स का जो है ना वो वेज कॉम्पोनेंट में से पैसा नहीं निकलता, इन मेट्स का जो पैसा है वो निकलता है मटेरियल कंपोनेंट में से. तो आप अगर ये स्टेटमेंट आती है प्रीलिम्स में, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है. तो इसीलिए मटेरियल कंपोनेंट में से ये पैसा निकाला जाता है. और अगर आपको Manrega मेट के बारे में थोड़ा और जानना है तो आपको कम से कम 10वीं कक्षा पास की होनी चाहिए आपने, अगर आप Manrega मेट बनना चाहते हैं. और आपके पास जॉब कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है. आपको सेमी स्किल्ड कैटेगरी में रख दिया जाता है क्योंकि Manrega का जो वर्क है वो तो अनस्किल्ड लोगों के लिए होता है. तो बट ऑफकोर्स यू परफॉर्मिंग A certain level of intellectual work here, certain skill is required to supervise and make sure that the work happens and it gets completed
you know, within its timeline and people are doing their work, you take attendance and you need some educated for work for it. Okay. Hence you become semi-skilled worker. तो आपको कम से कम 10वीं कक्षा तो पास की ही होनी चाहिए आपने, और साथ ही में आप, हाँ, और आप सिटी एरिया में नहीं रहते, आप रूरल एरिया में ही रहते हैं, आप तभी मनरेगा नेट बन सकते हैं. लेकिन अभी दिक्कत क्या है, बहुत ज़्यादा डिले, एक साल तक, यू नो, एक एक साल तक उनको पेमेंट नहीं मिलती, जबकि लोग मनरेगा नेट बनना चाहते हैं. ऑफकोर्स बनना चाहते हैं क्योंकि आप कहते हैं बहुत अच्छी जॉब है, यू नो, लेकिन आप जब पैसा ही नहीं दोगे, आप कह रहे हो कि वैसे पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा मिलेगा आपको मनरेगा वर्कर से, लेकिन जब पैसा आ ही नहीं रहा, उसमें डिलेज है, तो हमको क्यों बनना चाहेगा, क्यों बनना चाहेगा, आप सोच के देखिए मनरेगा मेट, है ना. बस सिंपल सी बात है यहाँ पे. तो इसीलिए ये देखा गया कि जब यू नो बहुत लोगों ने खुद को मनरेगा, यू नो, लेबरर वर्क की तरह ही खुद को एनरोल करना शुरू कर दिया, लिस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि एटलीस्ट पैसा तो टाइम पे आ जाए, वेजेस तो टाइम पे मिल जाए. तो इसीलिए सरकार ने अब इसके बारे में कुछ करने की कोशिश की है. उन्होंने कहा है कि देखिए, स्टेट्स को अब पहले, यू नो, जो मेट्स की पेमेंट है वो क्लियर करनी पड़ेगी, इससे पहले कि वो जो वेंडर्स हैं, जो रॉ मटेरियल बेचते हैं, जिनसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको पैसा दें. रॉ मटेरियल के पैसा देने से पहले आप मटेरियल कंपोनेंट में से पहले इनकी वेजेस क्लियर कीजिए, ठीक है. अब स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है ये भी हाफ मेजर ही है, क्योंकि देखिए क्या होना चाहिए, आइडली जो मेट की जो वेजेस हैं वो कम्प्लीटली डीलिंक हो जानी चाहिए मटेरियल कॉम्पोनेंट से, क्योंकि यू नो बात क्या है, आपको अभी भी मटेरियल कॉम्पोनेंट के लिए तो सरकार, जो केंद्रीय सरकार है, वहां से पैसा आने का वेट करना पड़ेगा, तो डिले तो वहीं का वहीं रहेगा. ओके, तो ये चीज उन्होंने कही है. ओके, नाउ दिस इज अगेन समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन, ओके, बिफोर दैट आई वुड वांट टू डिस्कस दिस आर्टिकल व्हिच आई बिलीव इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूएस नेम्स अलकायदा यूनिट पाकिस्तान तालिबान एज टेररिस्ट. तो देखिए, यूएस ने एक की एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप और उसके अलकायदा ब्रांच को एक लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, कर दिया है अपने ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में, जिसपे बेसिकली बहुत सारी सैंक्शंस लगाई जाएगी इन ग्रुप्स के खिलाफ, इन ग्रुप के मेंबर्स के खिलाफ, ठीक है. तो ये चीज़ अब क्यों, क्योंकि ये आपको हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP, ये इन्होंने सीज फायर अग्रीमेंट, यू नो, किया हुआ था पाकिस्तान सरकार के साथ. अब इन्होंने इसको कहा कि नहीं, बस बहुत हो गया, सीज फायर खत्म, अटैक्स शुरू. अब इन्होंने पूरी कंट्री में दोबारा बहुत ही भयानक अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है. तो और यू नो ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, बेसिकली इसका अलकायदा ब्रांच और TTP खुद, ये दोनों ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं अफगानिस्तान से, पर इनके बहुत सारे हाइड आउट्स हैं पाकिस्तान के फॉर्मर ट्राइबल रीजन्स में, जो नॉर्थ वेस्ट में और बाकी कुछ कुछ रीजन्स में फैले हुए हैं. ओके, ये एक महीने के लिए सीज फायर चली, लेकिन दोबारा अब इन्होंने रिज्यूम कर दिया है अपने अटैक्स को. द थ्रेट इशूड बाय द TTP फोर्स पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू टेक एडिशनल मेजर्स. ऑफकोर्स पाकिस्तान को तो कुछ करना ही पड़ेगा, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी है, बहुत सारी चीज़ें और भी अपना डिप्लॉयमेंट किया है काफ़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेज का. टीटीपी हैज आस्क्ड इट्स फाइटर टू टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेज अक्रॉस द कंट्री. जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज अक्रॉस द कंट्री है, उन्होंने कहा हम सिविलियंस को कुछ नहीं कहेंगे, पर इन सिक्योरिटी फोर्सेज को टारगेट करना चाहते हैं पाकिस्तानी तालिबान. बहुत ही भयानक एक ग्रुप है, क्योंकि जो 2014 में अटैक हुआ था पेशावर स्कूल में, जिसमें 147 लोगों की जान गई थी, मोस्टली स्कूल चिल्ड्रन ऑफकोर्स, वो इन्होंने कंडक्ट किया था, बिकॉज ऑफकोर्स दे डू नॉट वॉन्ट पीपल टू गो देयर एंड स्टडी and various reasons. The State Department said on Wednesday it designated the TTP and Al-Qaeda in the Indian subcontinent as specially designated global terrorists. तो अब देखिए, जब आपने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया, तो फिर कुछ स्पेशल मेजर्स भी आप लोगे. तो यूएस कहती है कि देखिए, अब हमारे पास जो भी काउंटर टेररिज्म टूल हमारे डिस्पोजल पे है, वो हम इसको काउंटर करने में लगा देंगे. अब इनके डिस्पोजल पे क्या है, अब देखिए, अगर इन ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, इनकी कोई प्रॉपर्टी है जो यूएस ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है, उसको ब्लॉक कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, या फिर कोई भी इंसान अब इनसे एंगेज नहीं कर सकता यूएस का, इनके मेंबर से, ठीक है, कोई भी चीज़ अब इस तरह की एम्बार्गो लग गई है ना. स्टेटमेंट अब साथ में, यू नो, इस स्टेटमेंट जो यूएस की स्टेटमेंट आई, इसके खिलाफ टीटीपी ने बोला कि ये तो बहुत सैड बात हो गई, ये तो बड़ी सैड अनाउंसमेंट है कि हमें ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, अदरवाइज देवर एक्सपेक्टिंग देयर आरतीज टू बी कंडक्टेड. इट आस्ड वॉशिंगटन नॉट टू इंटरफेयर. साथ में इन्होंने बोला कि आप इंटरफेयर मत करो बाकी कंट्रीज के अफेयर्स में. द ग्रुप सेड इट डिड नॉट नीड. और साथ में इन्होंने बोला हमें अफगान सॉइल की जरूरत नहीं है, हमें अटैक अगर पाकिस्तान पे करना है तो हमें अफगानिस्तान की टेरिटरी की जरूरत भी नहीं है. हमारे को ट्राइबल पीपल जो है पाकिस्तान के खुद के, वो बैक करते हैं, दे आर विद अस, दे वॉन्ट आर गवर्नमेंट एंड दे वॉन्ट आर रूल्स एंड ऑल दैट नॉनसेंस. ओके,
सऊदी अरेबिया एक्सटेंड्स डॉलर 3 भी, अब देखिए इसे हम ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं साथ में, क्योंकि इसका कुछ इंटीग्रेशन यहाँ से हो सकता है, यू नो देर आर नो रिपोर्ट्स एज सच, बट वी नेवर नो. पाकिस्तान काबुल एम्बेसी टारगेट, तो यानी कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है अफगानिस्तान में काबुल में, उस पर अटैक हुआ है, उसके हेड कमीशन पे, हेड ऑफ द कमीशन पे अटैक हुआ है. तो हो सकता है कि अभी अफगान सॉइल में भी है, यूएस की स्टेटमेंट तो यही कहती है, तो क्या पता ये TTP नहीं कंडक्ट करवाया हो. तो क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि यू नो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस पे और इन सब पे अटैक करना है. अ सिक्योरिटी गार्ड वाज वाउंडेड ऑन फ्राइडे बाय शॉट्स फायर्ड एट पाकिस्तान्स एम्बेसी इन काबुल इन व्हाट पीएम शहबाज शरीफ कॉल्ड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द हेड ऑफ द मिशन. ऑल्दो पाकिस्तान डज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज अब देखिए पाकिस्तान ऑफिशियली तो रिकॉग्नाइज नहीं करता अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को, पर उन्होंने एम्बेसी कभी भी अपनी बंद की ही नहीं थी. तालिबान के टेक ओवर के बाद भी फुल फ्लेज्ड डिप्लोमेटिक मिशन इनका चल रहा है तब से लेके अभी तक. ठीक है, तो ये चीज़ अब एक लोन अटैकर था जो अचानक से आया, यू नो घरों के पीछे से उसने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी. अब देखिए क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन तो होगी कि क्या लिंक है क्या नहीं है. सऊदी अरेबिया एक्सटेंड्स डॉलर, अब देखिए अफगानिस्तान में जब तालिबान सरकार आई तो आपको ऐसे बड़े सारे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, कमांडोज, प्रॉपर आर्मी के लोग वो दिख जाएंगे. इमरान खान के खास लोग उनमें से हैं जो काफ़ी खुश थे कि अब फाइनली यू नो अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है जब तालिबान आया है. तो आप जब यू नो तालिबान को वहाँ सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपके कंट्री के खिलाफ जब इतने इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं तो यू नो दिस इज़ नॉट फाइन. टेररिज्म तो किसी को भी नहीं छोड़ता. तो अगर आप समझ रहे हैं कि गुड टेररिज्म होता है जो आपका साथ दे दे या आपके हिसाब से वो सही है, और फिर बैड टेररिज्म होता है जो आपके खिलाफ चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता. टेररिज्म इज टेररिज्म. सऊदी अरेबिया एक्सटेंड्स $3 billion डिपॉजिट टर्म टू पाकिस्तान. तो देखिए जैसा कि हमें पता है पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ऊपर से फिर उनके इतनी भयानक फ्लड्स आ गई जो कम्प्लीटली एक क्लाइमेट चेंज का कॉन्सिक्वेंस बोला गया बहुत लोगों द्वारा. फिर उसके बाद और इकोनॉमी उनकी डैम्पन हो गई, साथ ही में अब ये जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं जिसमें उनका काफ़ी एक्सपेंडिचर सिक्योरिटी में जाएगा, इन चीज़ों में जाएगा. अगेन यू नो दिस इकोनॉमिक क्राइसिस गोइंग टू वर्सन फर्दर द रिपोर्ट से. तो सऊदी अरेबिया ने, आपको याद है ऐसा ही चाइना ने भी बोला था, सऊदी अरेबिया और चाइना दोनों ने कहा था दैट हम इनकी हेल्प करेंगे पाकिस्तान की. तो इसीलिए सऊदी अरेबिया ने अपने पार्ट पे क्या किया था, उन्होंने $3 billion का डिपॉजिट कहाँ पे किया था, पाकिस्तान के फॉरन रिजर्व्स में. देखिए फॉरन रिजर्व की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर कुछ बाहर से खरीद रहे हैं, अब कई इम्पोर्ट्स इसेंशियल होते हैं, आप उन पर कट कर ही नहीं सकते. गाड़ियाँ चलनी चलनी है, जब आपके पास तेल नहीं है तो आप तेल बाहर से ही लोगे ना. हमारे कहाँ पे यहाँ पे रिजर्व्स नहीं है, इंडिया में कौन सी ऑयल फील्ड्स ऐसी नहीं है ना, बहुत हद तक नहीं है यहाँ पे कुछ भी. तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डिपेंड बाहर की कंट्रीज पे. तो फिर अब जब आप बाहर पे इतने निर्भर हैं कि आप उस पे कट भी नहीं कर सकते, तो फिर पे तो करोगे ही आप, और किस में करोगे, डॉलर में पे करोगे या जो भी करेंसी आप यूज कर रहे हैं फॉरन. तो इसीलिए फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़रूरी होते हैं. अब फॉरेन रिजर्व्स में भी एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ एग्जैक्टली तो नहीं लिखा पर मैं आपको बता देती हूँ, जिसे इंपोर्ट कवर कहते हैं, जो आप अपने स्टैटिक में कवर करते हैं. इंपोर्ट कवर क्या होता है कि आपके पास कितने महीने या कितने दिन तक का फॉरेन रिजर्व पड़ा है, कि आप अगर कुछ भी इसमें ऐड ना हो तो आप कितने दिन की इंपोर्ट को इससे पे कर सकते हैं. ठीक है, तो यू नो इनकी कंट्री की अगर हम बात करें तो द सेंट्रल बैंक रिजर्व स्टूट एट $7.5 billion एज ऑफ नवंबर 25 दिस ईयर. इतना कम कि सिर्फ यू नो एक महीने तक के इम्पोर्ट को ही बेसिकली कवर कर सकते हैं इससे. ठीक है, तो ये बहुत कम है. इसलिए सऊदी अरेबिया ने जो डिपॉजिट इनके बैंक में किया था, सेंट्रल बैंक में, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी वापस करने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक अ लोन, इट्स ऑल राइट, वी हैव दैट यू नो सॉलिडारिटी, ब्रदरहुड, इट्स ओके, यू कीप इट. तो अभी हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि कब, क्योंकि देखिए इनको डिफॉल्ट करना पड़ जाएगा क्योंकि इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है कि $1 billion तक के बॉन्ड पेमेंट्स तो अभी इनको बहुत रिसेंटली करने हैं. पुतिन ओपन टू टॉक्स ऑन यूक्रेन क्रेमलिन. तो फाइनली क्या हुआ है, पुतिन ने बोला है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही हैज सेड कि हम नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं यूक्रेन के मामलों पे, पर वेस्ट को हमारी डिमांड्स को मानना पड़ेगा, फिर हम नेगोशिएशन करेंगे. अब ये वेस्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि जो बाइडन ने अभी रिसेंटली बोला एक दिन पहले कि वी आर विलिंग टू टॉक इफ
पुतिन वर लुकिंग फॉर अ वे टू एंड द वॉर, अगर पुतिन को थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि वॉर को खत्म कर दें, क्योंकि दिक्कतें तो उन्हें भी हो रही हैं, सैंक्शंस तो उन पे भी लग रही है, इकोनॉमी उनकी भी बर्बाद हो रही है, लोग उनके भी जा रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब मन है कि आप वॉर को रोक दें तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ऑल्दो हमें लगता नहीं है कि पुतिन का रवैया बिल्कुल भी चेंज हुआ है तब से लेके अभी तक, बट वी आर स्टिल रेडी टू टॉक। पर फिर ऑफकोर्स पुतिन बीइंग पुतिन, पुतिन ही हैज सेड के करूंगा मैं बात, कोई बात नहीं, पर आप पहले मेरी डिमांड्स मान लो। ओके, ईयू टू इम्पोज प्राइस कैप ऑन रशियन क्रूड। अब देखिए, प्राइस कैप की अगर बात हो ही रही है तो यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम बिल्कुल G7 की जो कंट्रीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, हम उनको ज्वाइन करेंगे और हम इम्पोज करने के लिए तैयार हैं कि हम पर बैरल जो रशियन ऑयल है उसको सिर्फ $60 पे ही खरीदेंगे। तो ये हमारा प्राइस कैप है, ईयू बिल्कुल तैयार है, डो नॉट वरी अबाउट इट। वॉट यूएस वुड से, यू वुड डू, यूएस से इज इंडो पैसिफिक, ईयू से इज इंडो पैसिफिक, Canada has also, you know, brought up a new Indo-Pacific strategy because Canada is also a friend. India-US hold frank discussions on social challenges, says diplomat. तो वही है ये जो हम अभी इनका, you know, Indian Express में देख रहे थे, उन्होंने ही कुछ further कहा है Elizabeth Jones ने कि इंडिया और यूएस हमेशा से ही फ्रैंक डिस्कशंस होल्ड करते हैं सोशल चैलेंजेस के ऊपर, और ये हमेशा से ही है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, ये सब वगैरह इन्होंने कहा है। और देखिए, इन्होंने साथ में बोला है कि इंडिया यूएस रिलेशंस परमिट अस टू हैव फ्रैंक डिस्कशंस रिगार्डिंग सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस क्या होते हैं? माइनॉरिटीज की ट्रीटमेंट या एथनिक या रेशियल ट्रीटमेंट। अब अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम कह सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा के साथ वहाँ गलत हो रहा है, या फिर जो अटैक्स हो रहे हैं जो ब्राउन पीपल पे वहाँ पे, या ब्लैक लाइव्स मैटर, या फिर वो बोल सकते हैं कि UAPA का मिसयूज हमें लगता है कि हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली है कि हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती और हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि इन बातों पर अपना माइंड अगर हम बोल दें तो इससे इंडिया, यू नो, नाराज भी नहीं होता, ये इन्होंने कहा है। कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद इंडो पैसिफिक। ओके, अगर आपको याद होगा, अगर आप ये वीडियोस काफ़ी समय से मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, तो जब भी इंडो पैसिफिक का कोई फोरम जैसे आसियान मीट हुई, जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी वहाँ गए और उन्होंने ये चीज़ यू नो हाईलाइट की, पहली बार मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो रहा है, ऑल्दो कोई एडिटोरियल उस पर नहीं आया था, ना ही उन आर्टिकल्स में लिखा था, पर ये फिर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आपने अगर पहले सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी और फिर जब उसको कंपेयर करते हैं आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये बोला जाता है जो आसियान कंट्रीज हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनकी सेंट्रलिटी है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, लेकिन कभी ये नहीं बोला गया था कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सेंट्रलिटी है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में। अब ये नई चीज़ सेटअप हो गई थी, ये अभी कंबोडिया में जो मीटिंग हुई, ये बहुत सारी चीज़ें जो आसियान डिफेंस मीट हुई, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हमें पता चला, ऑलराइट, नाउ आसियान बिकम्स इंपॉर्टेंट, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बिकम इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स ऑल्सो एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, उसी के अंदर आता है ये सब कुछ। तो इसीलिए हम देखते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है कि यहाँ से आपको अगर ज़्यादा नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ब्रॉड मिलेगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर उसे नोट डाउन करके रखिए, कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद द इंडो पैसिफिक। अब देखिए, 2018 से क्या हुआ है, जो भारत की लुक ईस्ट है, एक्ट ईस्ट है पॉलिसीज, वो डेफिनेटली इंडो पैसिफिक पॉलिसी में या स्ट्रैटेजी में मर्ज हो गई है। होना तो तब से स्टार्ट हो गया था, लेकिन हाईलाइट अब लोग बढ़ चढ़ के करने लगे हैं, क्योंकि देखिए चाइना बहुत घुसने की कोशिश कर रहा है ना आसियान में, तो उनको भी तो हमें ये चीज़ बतानी है कि लुक, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम अकेले नहीं है, यूएस भी है, ईयू भी है, कनाडा का कोई लेना देना नहीं है इंडो पैसिफिक से, वो अपनी स्ट्रैटेजी लेके आए हैं इंडो पैसिफिक में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया सबसे बड़ा पिलर है। तो इसीलिए हमने भी बेसिकली कह दिया है कि जो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी का एक कॉम्पोनेंट है। बट वॉट वी इन द, अब देखिए, लेकिन जो हम समझते हैं ना नेशनल कैपिटल में बैठ के, यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स दिल्ली में बैठ के, दिल्ली में ही पार्लियामेंट है, दिल्ली में ही सबके घर हैं, ठीक है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके, जो आप यह नेशनल कैपिटल में बैठ के इंटरप्रेट करते हो ना इंडो पैसिफिक को, वो उस इंडो पैसिफिक से बिल्कुल अलग है जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया समझती है। अब देखिए, आप इंडो पैसिफिक में जाएंगे कहाँ से? आसियान को इंडिया के साथ कनेक्ट कौन करता है? नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज, है ना, सिंपल। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडो पैसिफिक के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं कि क्या रिश्ता है हमारा इंडो पैसिफिक के साथ या आसियान कंट्रीज के साथ, तब तक आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं डेवलप कर सकते। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस एडिटोरियल हैज फाइनली कम अप। ओके,
देयर द मोस्ट, अब देखिए अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इशूज़ जो हैं बेसिकली अभी भी उन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अभी पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया. सबसे पहला है एडिक्वेट सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है. इंसर्जेंसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पीड अप करने की बहुत ज़रूरत है, वहाँ के साथ इंडिया को ज़्यादा कनेक्ट करना बहुत ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि वो मतलब खुद को सेक्लूडेड समझे, वो कभी इंडियन समझ ही ना पाए खुद को कि अच्छा दिस इज इंडिया, ओके वी कनेक्ट टू देम, वी आर वन. ऑफ कोर्स वो चीज़ बहुत जरूरी है एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू कनेक्ट बेटर. और लास्ट है सिलेक्ट साउथ ईस्ट एशियन. अब देखिए वही, अगर उनका रिश्ता इंडिया के साथ, साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, हमें बताना पड़ेगा दैट यू नो दिस इज द कनेक्ट यू कैन हैव. Hence, an effective way to work for a free, open, inclusive, peaceful and prosperous Indo-Pacific. ये तभी possible है जब हम पांच characteristics पे ध्यान देंगे. ये free, open, inclusive, peaceful, prosperous, मतलब हमें free भी चाहिए, open भी चाहिए, inclusive भी चाहिए जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो, peaceful भी चाहिए, कोई insurgency इस तरह की चीज़ें ना हो. prosperity सिर्फ और सिर्फ economic development से ही आ सकती है true sense में. ये सारी चीज़ें अगर हम अपने eastern region में भी, ये हम क्या कहते हैं कि हमें free, open, inclusive, peaceful और prosperous Indo-Pacific चाहिए, लेकिन हमें free, open, inclusive, peaceful और prosperous north east और eastern region भी चाहिए. This is a beautifully written line, okay? What the East wants, अब हम देखते हैं East चाहता क्या है. North East which comprises, अब North East क्या है, North East में 7 sisters हैं या states, 7 states और एक brother है Sikkim, ठीक है. तो ये has been witnessing transformation as it heads towards a better security condition and development. Of course ये transformation देख रहा है क्योंकि development के तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छी सिक्योरिटी भी देख रहे हैं. आफ्सपा को रिमूव किया जा रहा है अगर इतनी सारी जगहों से, तो इसीलिए करा जा रहा है. ये नहीं कि हमें वोट्स लेने हैं तो हम आफ्सपा रिमूव करते थे, नहीं, वहाँ पे सुधरता कुछ दिखा है तभी तो आफ्सपा रिमूव किया जा रहा है. क्योंकि देखिए अगर हमारे इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती, हर एक इंसान को इफेक्ट करती है. तो अगर कुछ सुधार दिख रहा है सिक्योरिटी में तभी तो आफ्सपा रिमूव किया जा रहा है बहुत सारी जगहों से, ठीक है. तो ये चीज़ रीसेंट पार्टिसिपेशन, अब देखिए The author, of course, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और साथ में इंडिया ने भी जो यू नो एक थिंक टैंक द्वारा एक यू नो कॉन्फ्रेंसेज देखी हैं. इम्फाल में द कैपिटल ऑफ मणिपुर, वन ऑफ द फोर स्टेट्स बॉर्डरिंग म्यांमार, हेल्प्ड इन क्लैरिफाइंग. अब इस यू नो बेसिकली कॉन्फ्रेंस से पता चला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है वो अभी हम देखेंगे कि क्या लोकल नीड्स हैं, क्या लोकल प्रायोरिटीज हैं. सेपरेटली एक और कॉन्फ्रेंस हुई कोलकाता, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या पता चला कि एक्चुअल में इंडो पैसिफिक को हम कैसे कल्चर के लेंस से देख सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ की टेक अवे इज दैट बाय अब्सॉर्बिंग एंड फैक्चरिंग इन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टेक होल्डर्स एट द ग्राउंड लेवल, द इंडो पैसिफिक पॉलिसी कैन डिलीवर बेटर रिजल्ट्स. इफ यू वांट बेटर रिजल्ट्स, आप जो स्टेक होल्डर्स के ग्राउंड लेवल पे जो यू नो उनके पर्सपेक्टिव्स हैं उनको इंक्लूड करना शुरू कीजिए. बोथ इंडो पैसिफिक कॉन्क्लेव्स वर होस्टेड बाय द एशियन कॉन्फ्लुएंस, अ थिंक टैंक लीडिंग इन द स्टडी ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट. द फर्स्ट वाज इन पार्टनरशिप विद MEA एंड मणिपुर यूनिवर्सिटी एंड द सेकंड हैड द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्सुलेट जनरल इन कोलकाता एज अ पार्टनर. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. अब हम देखते हैं मणिपुर से हमें क्या पता चला, बाकी नॉर्थ ईस्ट से क्या पता चला, फिर हम देखेंगे ईस्ट से क्या पता चला यानी कि वेस्ट बंगाल से क्या पता चला. देखिए जो मणिपुर से हमें बेसिकली पता चला है कि सिक्योरिटी कंडीशंस डेफिनेटली इंप्रूव हुई हैं जब से बीजेपी वहाँ पे 2017 में मणिपुर में पावर में आई, तब से इन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी कंडीशंस यू नो इंप्रूव हुई हैं, पर सिक्योरिटी बुरी थी ही क्यों वहाँ पे, इतनी इंसर्जेंसी या इतनी दिक्कतें थी क्यों वहाँ पे, क्योंकि जो उसके कोर इश्यूज हैं, जो रीजंस हैं कहीं ना कहीं वो अभी भी हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं. जब तक आप कोर इश्यूज को डील नहीं करोगे ना, तब तक वो प्रॉबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि दोबारा वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके माओवेस्ट अटैक्स हो सकते हैं. तो इसीलिए रिजॉल्व देम. अब कैसे रिजॉल्व करोगे, डेवलपमेंट करके, ठीक है, क्योंकि जब कहीं पे गरीबी होती है ना, उसको फिर कहीं कहीं सो कॉल्ड वॉयलेंट लीडर्स होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं कि देखिए ये गरीबी है, आप तो गरीब हैं, पूरा इंडिया अमीर है. तो इंडिया की जो स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने बिठाई हुई है इसको ओवरथ्रो करते हैं वॉयलेंट मीन से, तो और ठीक है फिर हम खुद की सरकार आएंगे, गरीबी भगाएंगे. तो ये बेसिकली जो वो लीडर्स होते हैं ना, इंसर्जेंट लीडर्स, वो करने की कोशिश करते हैं. तो आप डेवलपमेंट के पेस को बढ़ाइए, एक्सेलरेट इट, ओके, ताकि कोई भी इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लॉइट ना कर सके. अ नोटेबल कॉन्ट्रास्ट इन सिक्योरिटी असेसमेंट ऑफ द अथॉरिटीज एंड अदर्स कम टू द फोर, द ऑफिशियल पर्सपेक्टिव वाज दैट द परनीशियस फिनोमेना. वही चीज़ यहाँ पे लिखी है
कि यू नो अब देखिए जो हमारा सरकार की असेसमेंट्स कहती हैं सिक्योरिटी असेसमेंट्स या बाकी जो बाकी वहाँ के लोगों की असेसमेंट कहती है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। और डिफरेंस क्या है, ऑफिशियल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो स्मगलिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ट्रांसनेशनल बॉर्डर क्राइम है, इंसर्जेंट एक्टिविटी एंड इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार, ये सीरियस नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें कि यू नो चाइना वॉज व्यूड एज अ कॉन्स्टेंट प्लेयर बिहाइंड दीज नेफेरियस एक्टिविटीज, और चाइना की फंडिंग आती है, ये तो आप बहुत सुनते हैं पॉलिटिक्स में भी, इन सारी इसको स्मगलिंग वहाँ से हो रही है, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, यहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये चाइना को बहुत बड़ा प्लेयर देखा गया था। दिस हैज नेसेसिटेटेड विजिलेंस एंड स्ट्रिक्ट एक्शन बाय दी, इसी वजह से असम राइफल्स जो हैं स्पेसिफिकली म्यांमार वाले रीजन में डिप्लॉय किए जाते हैं, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इनके खिलाफ। ये है, अब हमने बात कर ली जो हमारी ऑफिशियल असेसमेंट कहती है। अब हम देखते हैं अदर्स यानी कि लोकल कम्युनिटीज क्या कहती हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है। अब सरकार का कंसर्न चाइना है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ट्रांसनेशनल क्राइम, असम राइफल्स, ठीक है, लेकिन अभी वहाँ की जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको लगता है कि जो इनसेंसिटिव हैंडलिंग हो रही है ऑफ दोज एंगेज इन लॉफुल एक्सचेंजेस विद द नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि कुछ इलीगल नहीं है कि हम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ डील कर रहे हैं या उनसे बातचीत करते हैं, ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमको भी हरास किया जाता है। तो इसीलिए यू नो अ बैलेंस्ड व्यू इंडिकेट दैट कंसिडरेबल स्कोप एग्जिस्ट फॉर मोर इफेक्टिव एंड पीपल सेंसिटिव बॉर्डर मैनेजमेंट इन द फ्यूचर, यानी कि अगर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में डील करा जा रहा है, यानी कि अगर मिजोरम में देखें, मिजोरम में बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, मिजोरम के लोगों ने अपने घरों में जगह दी, कुक किचन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर ये उनसे डील भी करते हैं तो उनको भी हरासमेंट झेलनी पड़ती है जो उनका उनको पनाह दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब है कि पीपल सेंसिटिव बॉर्डर मैनेजमेंट जरूरी है, उनसे पूछना बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट एज प्रायोरिटी। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, बिल्कुल उनका सारा ध्यान इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होना चाहिए, मोर इज अवेटेड थ्रू इंप्रूवमेंट इन रोड्स, रोड्स को इंप्रूव कीजिए जो नॉर्थ ईस्टर्न टाउन्स को लिंक करें, जॉब क्रिएशन कीजिए, थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स आर देयर, ओके, लोकल यूनिवर्सिटीज जो प्रोड्यूस कर रही है, जरूरी नहीं है सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके ही पढ़ना पड़े तभी उनको कुछ मिलेगा, ठीक है। मणिपुर नीड्स टू बी प्रमोटेड एज द हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म, यस प्रमोटेड मेडिकल टूरिज्म के रूप में बाकी इंडियन स्टेट्स के लिए या फिर नेबर्स के लिए जैसे म्यांमार, द स्टेट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज टू लेवरेज द regions biodiversity should be expanded, accelerated development requires increased investment, wahi you know jo indian bade bade corporates hain, dekhiye it's good startups ko to promote karna hi chahiye, hai na, aur koi aisa matlab discrimination sense pe main nahi keh rahi, par jab economies of scale chahiye, agar aapko bilkul immediately chahiye ki ye region hame develop karna hai aane wale 5 saalon mein ya jaise bhi jo aapka immediate jo goal hai uske liye bade bade corporates ki zarurat padti hai ya foreign investors ki zarurat padti hai, aur isme kuch galat nahi hai, to isiliye बेटर मैनेजमेंट कीजिए, साथ साथ में इंडियन कॉर्पोरेट्स लेड डेवलपमेंट जो है वो करनी जरूरी है। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह अंडरस्कोर्ड द पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ, ही अर्ज द स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस कम्युनिटी टू कंट्रीब्यूट टू क्राफ्टिंग अ कॉन्क्रीट ब्लू प्रिंट फॉर लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू कॉमर्स कनेक्टिविटी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो देखिए स्किलिंग तो वहाँ पे भी होनी चाहिए, एक फुल फ्लेजेड आप नॉर्थ ईस्टर्न स्पेसिफिक स्किलिंग इनिशिएटिव्स भी ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है थोड़ा सा, वहाँ का खाना, वहाँ का पहनना, उससे रिलेटेड बहुत कुछ हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कोलकाता, कोलकाता की अगर हम बात करें, कोलकाता में यू नो कल्चरल डोमेन काफ़ी डोमिनेट करता है, यू नो अगर हम इस बात करें, एन एम्बिशियस एंडेवर बाय 75 आर्टिस्ट फ्रॉम 9 कंट्रीज हाईलाइटेड द रीजन्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी थ्रू म्यूजिक, डांस, ड्रामा, क्यूजीन, क्लियरली एक्सपैंडिंग द रीच ऑफ। अब मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको एक्सपैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडुकेशनल एक्सचेंजेस कीजिए, टूरिज्म प्रमोट कीजिए, ट्रेड जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे उसे प्रमोट कीजिए, आसियान कंट्रीज और वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, क्योंकि हमारा शेयर्ड कल्चर है, हिस्ट्री है, म्यूचुअल सोशल थ्रेड्स हैं जो हमारे रीजन को टाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्योंकि देखिए आप एक सिंपल सी बात है, जियो पॉलिटिक्स गुड, येस जियो पॉलिटिक्स यू हैव टू फोकस ऑन दैट, जियो इकोनॉमिक्स गुड, येस यू हैव टू फोकस ऑन दैट, श्रीलंका को देखिए जियो इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, फाइन गुड इनाफ, बट जियो कल्चरल डायमेंशन जो है इंडो पैसिफिक का, उसको इतना ड्यू अटेंशन नहीं दिया गया है। एंड दिस कम्स फ्रॉम अ फॉर्मर एम्बेसडर जो राजीव भाटिया जी हैं, जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, उन्होंने ये चीज़ लिखी है, और अगर उन्होंने कोई सजेशन दी है सरकार पढ़ती है, सी न्यूज़पेपर पढ़ी जाती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी हैबिचुअल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, एवरी मिनिस्टर,
every you know intellectual which is there in you know in the ministry. तो अगर वो ये चीज़ पढ़ेंगे तो definitely geocultural aspect को भी आप देखेंगे अब Indo-Pacific में पनपता हुआ. ओके, जैसे कि अगर आपको याद होगा जो जगदीप धनखड़ जी जब गए कंबोडिया में तो वहाँ जो एंकोर वाट सबसे बड़ा जो हमारा एंकोर वाट जो टेम्पल है ना पूरे संसार का वहाँ पे वो गए. फिर उन्होंने क्या बोला, इट फील्स लाइक होम, इट डजंट फील कि मैं कहीं और आया हूँ, इट एक्चुअली फील्स लाइक होम. तो ये कल्चरल डायमेंशन है. ठीक है, तो ये चीज़ और बड़े लेवल पे टूरिज्म. नाउ सिंस वी आर प्रमोटिंग टूरिज्म लाइक एनीथिंग G20 में हम 200 जगहों से ज़्यादा या 200 जगहों पर अब हम देखेंगे कि यू नो 200 जगह इन द सेंस 200 मीटिंग्स होंगी 56 लोकेशंस के ऊपर. तो 56 लोकेशंस का टूरिज्म यू नो देखो हमारा देश. तो वैसे ही यू कैन प्रमोट टूरिज्म इन दिस वे आल्सो. ओके, तो ये चीज आप जरूर लिखिए जियो कल्चरल डायमेंशन को. डिप्लोमैट्स फ्रॉम द रीजन अग्री ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडेड पीपल रिलेटेड कॉपरेशन विच कुड लीड टू वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक एंड कंसोलिडेशन ऑफ द क्वाड. यूएस कौंसल जनरल ओके उन्होंने साथ में बोला है अपनी कंट्री के बारे में, एज अ प्राउड इंडो पैसिफिक नेशन एम्फसाइजिंग दैट इट वॉज इनकम्बेंट ऑन अस टू फोर्टिफाई आर हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल टाइज टू फेस फ्यूचर चैलेंजेस. दो कॉमन थ्रेड्स हैं इस रीसेंट एक्सचेंज से निकलते हैं. पहला जो ग्रोइंग सिग्निफिकेंस है बे ऑफ बंगाल रीजन का. नाउ दिस इज यो हर स्कॉलर के दिमाग में बे ऑफ बंगाल की सेंट्रलिटी है. तो इसके लिए भी मैंने आपको रिसेंटली बताया था नालंदा यूनिवर्सिटी ने बे ऑफ बंगाल पे एक सर्टिफिकेट कोर्स चालू किया है. जब तक आप देखिए इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज चालू नहीं करते, किसी तरह के इंटेलेक्चुअल्स कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ पर्टिकुलर रीजन चालू नहीं करते. देखिए ये सर्टिफिकेट कोर्सेज तो कोई अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वैसी यू नो आप समझिए कि कोई पॉलिटिकल साइंस में कोई एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, साथ में एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है बे ऑफ बंगाल में अगर उसे इंटरेस्ट है. ठीक है, तो दिस वुड एनहांस हिज और हर अंडरस्टैंडिंग. फिर जब एक इंटेलेक्ट आ गया आपको ऐसे तरह के स्कॉलर्स बन गए एक पर्टिकुलर रीजन में, तो सरकार के लिए थिंक टैंक्स के लिए वो एसेट बन जाते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बे ऑफ बंगाल पर ध्यान दिया जाए. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक सीम्स डिस्टेंट बट द मोमेंट इट इज परसीव बट एट द मोमेंट इट इज परसीव दैट. ओके, तो यही चीज बोली गई है, बे ऑफ बंगाल की आउटर सर्कल को इंडो पैसिफिक समझा जाता है. ठीक है, तो इसीलिए यू नो देयरफॉर द मेंबर स्टेट्स नीड टू इन्वेस्ट मोर इन द बिम्सटेक. तो इसीलिए बिम्सटेक को भी आप इंक्लूड कीजिए अपने इंडो पैसिफिक के नैरेटिव में. ओके, इफ यू वांट एन इफेक्टिव रिलेशन दैट वे. सेकंड, इन इंप्लीमेंटिंग इंडियाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी वॉइसेस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया मस्ट बी हर्ड. दस बियॉन्ड लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट lies think and relate east especially within our own country. तो यही चीज आप ये भी बिल्कुल लिख सकते हैं. ये तो बहुत ही you know beautiful conclusion हो सकता है, think and relate east. तो देखिए इससे पहले आई एंड द वीडियो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरी विजन IAS की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी. जितनी भी अपलोड हुई हैं आप जाकर देख सकते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस. इफ़ यू एक्चुअली फाइंड देम हेल्पफुल यू कैन स्टिक टू देम. आप खुद एक बार कॉन्टेंट पढ़िए फिर उसको वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ कंपेयर कीजिए. इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल स्टिक टू देम. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो.